दुनिया कोरोना की चपेट में है। दुनिया ही का कोई भी ऐसा देश नहीं बचा जहां पर कोरोना नहीं है। लगभग सभी देशों में कोरोना ने अपनी जड़ें फैला रखी हैं। पहले चीन से लेकर जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन सभी को लेकर कोरोना से सभी चिंतित हैं। 3000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। भारत भी इसी चीज़ से लड़ रहा है। 21 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन रखा है जिससे कि कोरोना संक्रमण पर काबू पाया जा सके। जनता भी लॉकडाउन में पूरी तरह से सरकार का सहयोग कर रही है। इसी बीच CODY विक्रम सिंह ने भी अपने क्षेत्र की जनता को संबोधित करते हुए संदेश दिया है। वो संदेश क्या है कि जनता लॉकडाउन का पालन करे, ये उन्हीं के हित में है। सुनिए उनका क्या है संदेश। जैसा कि शासन का निर्देश है और माननीय प्रधानमंत्री एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी अपने संदेश में बताया गया है कि जनमानस में जागरूकता पैदा करें और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और इस समय वर्तमान में चूँकि किसानों के काम भी हैं, उनकी सुख सुविधा के लिए शासन ने विशेष निर्देश निर्गत किए हैं, जिसमें कि जो कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां कृषि यंत्रों से संबंधित जी जहां उनको अपने औजारों को ठीक कराना है या प्राप्त करना है जी, तो उनके लिए भी निर्देश है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपने सामान को, जो कृषि यंत्र हैं जी, उनको क्रय कर सकते हैं और अपने काम को सुचारू रूप से चला सकते हैं। उसके अलावा सभी को निर्देशित किया गया है कि आजकल जो बच्चे, चूँकि घर पर सभी लोग हैं तो क्रिकेट जो खेलते हैं, तो उनको भी समझा दिया जाए, अनाउंस करके हम पर जगह जगह बताया गया है कि आप लोग अधिक से अधिक भीड़ को रोकें, भीड़ न होने दें, किसी भी परिस्थिति में भीड़ न होने दें और अपने घरों में ही रहकर अपना आपको सुरक्षित रखें। और उसी में समाज का हित है, उसी में राज्य का हित है, उसी में राष्ट्र का हित है। जैसे सर, एक और जो न्यूज़ चैनल पे और जो सोशल मीडिया दिखा रहा है कि जिस तरह से उपद्रवी लोग कोरोना फैलाने की कोशिश या सरकार की बात को जो निर्देश दिए हैं उनको ना पालन करने की जो बातें सामने आ रही है, उसको किस तरह कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि उनका उन्हें पालन करना चाहिए और अगर वो नहीं करते हैं तो किस तरह से डील किए जाएंगे। नहीं, ऐसा है, जो हमारा डिवाइस क्षेत्र है, जनपद बुलंदशहर के अंतर्गत जो डिवाइस क्षेत्र है जी, यह हमने गांव-गांव में भ्रमण कर और अनाउंस करके लोगों को बता दिया है। इसमें मुनादी भी कई जगह हम लोगों ने करा दी है कि कोई भी आदमी एक जगह एकत्रित न हो, और अभी तक हमारे इस क्षेत्र में कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया वर्तमान में कि लोग इसका पालन न कर रहे हों। पूर्णतः लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। थैंक यू।